So guys, hello and welcome to Physics Simplified by Atul Tandon, and this is your very own educator and motivator Atul Tandon signing in for today's very very important topic, that is about the equipotential surfaces, right? Equipotential surfaces पढ़ने के बाद बच्चे आप लोग clear हो जाएंगे कि इस तरह के questions को कैसे solve किया जाए जो कि JEE और NEET examinations के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उसके अलावा भी कुछ और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं जो हम डिस्कस करेंगे बच्चा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गो अहेड एंड प्रेस द सब्सक्राइब बटन, एंड जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी आप दबा दें ताकि आपको जो भी वीडियोस पोस्ट हो वो सबसे पहले नोटिफाई हो जाए। ओके, moreover do like, comment and share the video so that the content reaches everyone who is in need of the content, this content at this time of pandemic. All right guys, so without wasting time, let us start up with our topic of the equipotential surfaces. Okay, so let me take the topic of equipotential surfaces. बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, लास्ट टॉपिक एक तरह से होता है ये हमारे पास पोटेंशियल वाले चैप्टर का, जो कि थर्ड चैप्टर है हमारे पास, राइट? तो आज थोड़ी ठंड ज्यादा लग रही है, मौसम बड़ा खराब चल रहा है आजकल ना। एनीवेज, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होते हैं, इसका नाम नहीं बता रहा बच्चे आपको, बोलो नाम ही तो बता रहा है। इक्विपोटेंशियल मतलब सेम पोटेंशियल सरफेस, वो सरफेस जहां पे की हर जगह पे पोटेंशियल क्या होता है बच्चा, सेम होता है। द सरफेसेस वेयर देयर इज सेम पोटेंशियल एवरीवेयर, द सरफेसेस वेयर देयर इज सेम पोटेंशियल एवरीवेयर आर कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। वो नहीं लिख रहा हूं, आप जानते हैं लिखने की आवश्यकता नहीं है बेटा। ओके जी, तो क्या मतलब है इस बात का? मान लीजिए बेटा मैं एक पॉजिटिव चार्ज लेता हूं, यहां पे प्लस क्यू मैंने एक चार्ज लिया मान लो, राइट? और मैंने यहां पे ये एक इसको इस सर्कल में एनक्लोज कर दिया लाइक दिस, फॉर एग्जांपल सेंटर रखा इसको मैंने इस तरह से। एक बात बताइए, एक पॉजिटिव चार्ज की अगर मैं बात करूं जिसका डिस्टेंस यहां से r है, ये भी इसका रेडियस बनेगा r, ये भी इसका रेडियस बनेगा r, ये भी इसका रेडियस बनेगा r, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे होती है वो कितनी होती है बोलो, kq by r square होती है बोलो, सही गलत? और एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल हम लोगों ने निकालना सीखा ही हुआ है, और इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होता है बोलो, kq by R होता है। तो what is the potential at point A? It is kq by R. What is the potential at point B? At this point बोलो, it is again kq by R. What is the potential at point C? It is again kq by R. What is the potential at point D? It is again kq by R. आप देख सकते हैं कि जो मैंने यहाँ पे चार पॉइंट्स मेंशन किए हैं उन सभी पे पोटेंशियल हर जगह बच्चे क्या है बेटा, सेम है। इसी तरह से आप यहाँ पे कोई पॉइंट ले लो, आप यहाँ पे कोई पॉइंट ले लो, आप यहाँ पे ले लो, आप यहाँ पे ले लो, मतलब कहीं भी आप इस पे एक पॉइंट ले वो पॉइंट एक इक्विपोटेंशियल पॉइंट होगा, बिकॉज सब जगह पे पोटेंशियल कितना आ रहा है, kq by r आ रहा है, है ना? तो क्या ये एक सर्कल बना? अगर ये सर्कल बना फिर तो ये एक लाइन बनी, है कि नहीं? सर्कल को बीच से काट दो, लाइन को खोल दो, वो लाइन होती है। पर क्या हम यहां पे लाइन की बात कर रहे हैं कि सरफेस की बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट सरफेस। तो देखो बच्चा, अगर ये मेरे पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मेरी इस उंगली की टिप पे है, तो इससे जो आर डिस्टेंस पे ये वाला पॉइंट भी होगा और ये वाला पॉइंट भी होगा, ये वाला पॉइंट भी होगा और ये वाला पॉइंट भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, नीचे को भी होगा, यहां को भी होगा, वहां को भी होगा। तो जब मैं इन सब पॉइंट्स को जोड़ करके एक लोकस बनाऊंगा ना, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स व्हेन दे आर जॉइंड, इट विल बिकम अ स्फीयर।
and a sphere has what? Sphere has a surface, right? तो इसका मतलब बेटा ये हुआ कि ये सर्कल नहीं है, ये क्या है? ये है एक सफेयर, बट मेरा बोर्ड है 2D, उसमें 3D को नहीं दिखा पा रहा हूं मैं, है कि नहीं? लेकिन इमेजिन तो हम हमेशा कर ही सकते हैं, और मेरा ऐसा मानना है कि बहुत कुछ दिखाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि फिजिक्स इज द साइंस ऑफ इमेजिनेशन। जितनी बात दिखाई है ठीक है, बाकी हम इमेजिन कर रहे हैं कि यार ये ऐसे को भी है और ये इस बोर्ड के पीछे भी है ना? सो इट बिकम्स एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब अगली बात पे आते हैं, यहां पे देखो एक आप सब में शेयर करने वाला हूं डायग्राम, ओके ये लीजिए, ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है बेटा, जिसका मैंने आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस दिखाया हुआ है, एक ये है, इसको नाम दे दिया मैंने EPS नंबर 1, इसको नाम दिया EPS नंबर 2, इसको नाम दिया EPS नंबर 3 और इसको नाम दिया EPS नंबर 4। अब देखिए, मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है सारे में बराबर है, माना गया ये तो है ही, ये डिस्टेंस देखो, ये डिस्टेंस देखो, ये डिस्टेंस देखो, ये डिस्टेंस देखो, बराबर है ना? तो क्या इन सभी पॉइंट पे पोटेंशियल हर जगह सेम होगा? Will the potential be same everywhere? Yes, so it forms an equipotential surface. मान लो इसका पोटेंशियल है 100 वोल्ट, इस पहले वाले का 100 वोल्ट इसका पोटेंशियल है, राइट? अब मैं आता हूं दूसरे के ऊपर, दूसरा जो सफेयर बना हो, जो ये बन रहा है मेरे पास बेटा यहां पे, ये जो सफेयर मैं यहां बना रहा हूं, क्या इस पे भी हर जगह पोटेंशियल बराबर होगा? क्यों? इसका डिस्टेंस जो है चार्ज से क्या है बोलो, हर जगह सेम है। तो यहां मान लो पोटेंशियल है मेरे पास 80 वोल्ट। अब मैं तीसरे पे आता हूं, तीसरे वाला जो ये वाला है, क्या यहां भी पोटेंशियल इस पूरे वाले सरफेस में सेम है जो बना रहा हूं? तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पोटेंशियल है मेरे पास, मान लीजिए अपने पास 55 वोल्ट, और इस चौथे वाले में पोटेंशियल है मान लीजिए मेरे पास 40 वोल्ट। तो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। ये अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, अपने आप में ये एक कंप्लीट इक्विपोटेंशियल सरफेस है, राइट? अपने आप में ये क्या बच्चे, एक कंप्लीट इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये भी कंप्लीट है, लेकिन ये वाला और ये वाला ये अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है। मैंने यहां पे पोटेंशियल लिखा 100 वोल्ट, यहां कर दिया 80, यहां कर दिया 55, यहां कर दिया 40। ऐसा मैंने क्यों किया? बिकॉज पोटेंशियल जो होता है वो होता है KQ/R, एक पॉइंट चार्ज का, जिसका R बढ़ा उसका पोटेंशियल घटा, हमारे सामने है इक्वेशन। तो इसका मतलब है जितना हम इससे दूर 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 जाएंगे पोटेंशियल क्या होता जाएगा बेटा, कम होता जाएगा। और ये जो लाइंस दिखाई गई है पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस है, ये लाइन पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है। ये यहां पे एक बात समझ में आ रही है आप लोगों को कि जो ये लाइन है ये इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर है। देखो एक टेंजेंट ड्रॉ करो यहां पे और ये दिस बिकम्स परपेंडिकुलर। यहां देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां बनाई गई है ये इस सरफेस के बोलो क्या है, परपेंडिकुलर है। कहीं भी ड्रॉ करके देख लो आप लोग, सरफेस के बोलो क्या है, परपेंडिकुलर है। और दूसरी बात हम यहां पे एक बात समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, सारे में जो डायरेक्टेड है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है दैट इज टुवर्ड्स द डिक्रीजिंग पोटेंशियल। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम हाई पोटेंशियल रीजन टू लो पोटेंशियल रीजन। यहां से एक बात यही बोल सकते हैं बेटा, ठीक है ना? तो ये मेरे पास अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है। तो मैं क्या बोल सकता हूं बच्चा यहां से कि जो एक पॉइंट चार्ज होता है उसके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की शेप कैसी होती है? वो होती है बेटा, ध्यान दीजिए यहां पे, कॉन्सेंट्रिक सफेयर्स। ये किसके कारण है बोलो? एक पॉइंट चार्ज के कारण जो क्या बनती है शेप, बोलो किसकी? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की। लेकिन ध्यान रहे
ये पूरा अपने आप में एक इक्विपोटेंशियल है, लेकिन ये वाला और ये वाला इन दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं है, ठीक है ना। ये अलग इक्विपोटेंशियल है और ये अलग इक्विपोटेंशियल है। यहां भी कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि क्या है, राइट गाइस। तो हमने एक बेसिक बात समझ ली कि इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस जो होते हैं वो पोटेंशियल सर्फेसिस होते हैं जहां पोटेंशियल सारे में सेम है, सेम पोटेंशियल है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इक्विपोटेंशियल है, नाम ही बता रहा है इसका, लेकिन एक पॉइंट चार्ज के कारण एक ये बना, एक दूसरा वाला ये बना, ये वाला और ये वाला अपने आप में तो इक्विपोटेंशियल है, लेकिन इसका पोटेंशियल अलग है भैया, इसका पोटेंशियल भी अलग है। किससे? इन दोनों का एक दूसरे से पोटेंशियल क्या है बच्चे? अलग है। अगले स्लाइड पे आते हैं। अब अगर मैं दूसरे की बात करूं, अब मैं शेप्स के बारे में बात करना शुरू कर रहा हूं आपसे, शेप्स ऑफ ईपीएस। तो मैंने पहला केस लिया इसमें, पॉइंट चार्ज के कारण बताओ कैसी शेप होती है ईपीएस की, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या? नहीं बेटा, कॉन्सेंट्रिक सफेयर्स। कॉन्सेंट्रिक क्या होते हैं? ये सफेयर्स होते हैं, सर्कल्स नहीं होते, ओके। अब मैं दूसरे केस पे आता हूं, मैं बात करता हूं कि एक लाइन चार्ज के कारण कैसी शेप बनती है। लाइन चार्ज में ले रहा हूं यहां पे इनफिनाइट ऑफ लैम्डा, शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप समझते हैं मीनिंग इस बात का, ठीक है। अब अगर मैं एक लाइन चार्ज लेने की बात करूं यहां पे, तो ये लीजिए मैंने एक लाइन यहां पे ड्रॉ कर दी, ये लीजिए, और इसको मैंने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, दिस इज अ लाइन चार्ज, राइट। और ये जा रहा है आगे और यहां से जा रहा है मान लो आगे। अब मुझे इस जगह पे और इस जगह पे देखिए ध्यान से, तो इसका डिस्टेंस भी यहां से आ है और इसका डिस्टेंस भी यहां से आ है, और एक पॉइंट में इससे इधर लू R डिस्टेंस पे, और एक पॉइंट इधर लू R डिस्टेंस पे, एक पॉइंट इधर लू R डिस्टेंस पे, तो वो सारे पॉइंट्स जो है वो जब जुड़ेंगे तो जो लोकस बनेगा वो एक सर्कल बनेगा। और ऐसे ही मैं यहां 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 पॉइंट्स लू, मान लो मैंने यहां पे एक पॉइंट लिया, एक पॉइंट यहां पे लिया, एक पॉइंट यहां पे लिया, वो भी एक और सर्कल बनेगा। और इन पॉइंट्स को भी जोड़ दूं मैं, ये पॉइंट सारे अगर मैं आपस में जोड़ दूं, ये सारे पॉइंट्स आपस में जोड़ दूं, ये सर्कल वाले सारे पॉइंट्स आपस में जोड़ दूं, तो मेरे पास बेटा जी कैसी शेप मुझे मिल रही है बोलो? आई एम गेटिंग अ शेप ऑफ अ सिलेंडर लाइक दिस। अब देखिए क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है अपने पास वो होती है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, मतलब आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जितना दूर जाएंगे उतनी फील्ड क्या होती जाएगी बच्चे? कम होती जाएगी। तो लेकिन इन सभी पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो क्या है? बराबर है। जो ये मैंने पॉइंट्स यहां ड्रॉ किए हैं, इन सभी पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? बराबर है। और इन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही बच्चे क्या है? सारा का सारा बराबर है। तो ये तो बन गया मेरा एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस, व्हाइट वाला, दिस इज ई पी एस वन। अगर मैं यहां पे इधर कोई पॉइंट लू और एक पॉइंट इधर लू, इन सबको भी जोड़ दू आपस में लाइक दिस, दिस बिकम्स माई अनदर इक्विपोटेंशियल सरफेस। एंड इफ आई टेक वन मोर पॉइंट ओवर हेयर एंड ओवर हेयर, and if I join them like this, this become my another equipotential surface। तो आप देख रहे हैं कि ये अलग है और ये है EPS 3 और ये क्या है बच्चे? ये है EPS 2। इस सरफेस पे हर जगह पोटेंशियल सेम होगा, कहीं भी देखो इस सिलेंडर के ऊपर आप पोटेंशियल क्या होगा बोलो? सेम होगा। तो ये सिलेंडर जो है अपने आप में क्या बना? एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बना। अगर आप इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करना चाहें, इसको कि मैं रेड कलर से दिखाता हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे यूं जा रही है, पॉजिटिव की फील्ड यूं होती है, हम जानते हैं दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज, और कहां को होगी? इधर को भी होगी, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज। जितना दूर जा रहे हैं उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जा रही है बोलो? कम होती जा रही है, देख रहे हैं हम यहाँ पे। और यहाँ पे इधर कैसी फील्ड होगी बोलो? यहाँ पे इनमें बनानी, यहाँ पे ऐसे 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 ऐसे,
इधर इधर थोड़ा 3D फील देते हैं आपको। हमारा 3D का फील कि इसमें ऐसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चार्ज यू है, इससे फील्ड यू भी जा रही है, 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 तो ऊपर सर्कल यू भी जा रही है, यू भी जा रही है, यू भी जा रही है, नीचे सर्कल और यू भी जा रही है, यू भी। तो एक हमारे पास सिलिंड्रिकल शेप बन गई इक्विपोटेंशियल सरफेस की। तो मैं क्या नाम दूं इसको? इसको नाम दूंगा मैं क्या, कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स बनी शेप मेरे पास। बोलो ठीक लिखा मैंने? सोच के बताना मुझे, टेक 2 seconds टू थिंक अबाउट इट। दिस इज रॉन्ग, इट इज नॉट कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर, इट इज कोएक्सियल सिलेंडर्स। बेटा सिलेंडर से कॉन्सेंट्रिक नहीं होते, कोएक्सियल होते हैं। नाउ दिस बिकम्स राइट, समझे बात को? स्फीयर्स का सेंटर सेम होता है और सिलेंडर्स की एक्सिस सेम होती है, तो स्फीयर्स कॉन्सेंट्रिक बनेंगे और सिलेंडर्स कोएक्सियल बनेंगे बेटा। तो सीधी बात है, यहां पोटेंशियल मान लो अगर अपने पास 100 वोल्ट है, यहां मान लो 80 वोल्ट है, यहां मान लो 70 वोल्ट है, तो पोटेंशियल के घटने की डायरेक्शन में मेरे पास क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके जी, अब आते हैं तीसरे के ऊपर, इसका ले लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट। ऑलराइट, थर्ड वाले के ऊपर आते हैं बेटा। अब देखिए मेरे पास तीसरा केस है, एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज की बात कर लेता हूं। प्लेन शीट ऑफ चार्ज की अगर मैं बात करूं तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आती है सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सभी जानते होंगे जब ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो अगर ये अपने पास बेटा जी एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, थोड़ा आपको 3D फील देने की कोशिश करता हूं इसका, लाइक दिस, और इस पे मैंने ये कुछ पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसके ऊपर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है मान लीजिए बेटा वो कितनी मेरे पास सिग्मा है, राइट। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होती है बेटा, वो होती है ऐसे, इसको मैं रेड से बनाते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। सीधी सीधी लाइन ड्रॉ होती है इससे, एकदम बढ़िया। This is the direction of the electric field, right? And this is uniform electric field, right, बच्चे? Okay? अब मुझे बताइए कि क्या ये इस एक line के इसी plane में होगी electric field, या अगर sheet ऐसे पड़ी है तो यहां भी होगी, यहां भी होगी, ये दिखाई मैंने आपको अभी, पर मैंने आपको ये वाली दिखाई पीछे वाली, फिर उसके पीछे में भी होंगी electric field direction, उसके पीछे भी होंगी, तो यहां भी आगे एक sheet बनेगी पूरी proper, जिसमें कि मेरे पास पोटेंशियल क्या आएगा, बोलो सारे में सेम आएगा इस तरीके से, इस पूरे के पूरे इसमें पोटेंशियल बोलो क्या है बेटा, सेम है। इस पूरे के पूरे इसमें बोलो पोटेंशियल क्या है, सेम है। ये तीन बने मेरे पास इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ये लेकिन अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है। यहां मान लो पोटेंशियल आपके पास VA है तो यहां भी कितना है, VA है। यहां मान लो VB है तो यहां भी कितना है, VB है। सारे में कितना है बोलो, इस प्लेन पे, इस प्लेन पे पोटेंशियल हर जगह कितना है, VB है। यहां पे हर जगह पोटेंशियल कितना है बोलो, VA है। और यहां पे हर जगह पोटेंशियल बोलो बेटा कितना है, मान लीजिए कि VC है। तो दीज आर थ्री डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस, ईपीएस 1, ईपीएस 2 एंड ईपीएस 3। तो बोलो शेप क्या बनी, शेप बनी, शेप बनी बेटा इसकी पैरेलल क्या, प्लेन्स। क्या शेप बनी बच्चे, पैरेलल प्लेन्स। तो एक शीट ऑफ चार्ज के कारण कैसे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनते हैं, दे आर दी पैरेलल प्लेन्स। ओके, तो अगर मैं यहां बोलता हूं कि कुछ भी पोटेंशियल है, ठीक है, तो यहां भी वही पोटेंशियल है। बाकी क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बहुत प्रॉपर ये चीज क्लियर हो जाएगी बेटा। अगली बात पे आता हूं, एक डाइपोल की वजह से देखते हैं कि कैसी शेप बनती है
चौथा केस देख रहा हूं मैं बिकॉज ऑफ अ डाइपोल, इसके बियॉन्ड नहीं जाता कॉम्पिटिशन आपका, जो बातें आपको बता रहा हूं बच्चे में देखो, अगर अपने पास ये एक डाइपोल है मान लीजिए, बहुत बड़ा बना रहा हूं ताकि क्लियरली दिखाई दे आपको, ये माइनस क्यू चार्ज है और ये मान लो कौन सा चार्ज है, प्लस क्यू है, ये इसका सेंटर है बेटा, और मैं जानता हूं डाइपोल में कि ये डिस्टेंस होता है ए और ये डिस्टेंस भी कितना होता है, ए होता है। यहां पे एक सी पॉइंट लिया है आपने, यहां पे आप ले लो एक कोई ए पॉइंट, यहां पे ले लो आप कोई बी पॉइंट, यहां पे ले लो आप कोई डी पॉइंट, यहां पे ले लो आप कोई ई पॉइंट। ये पॉइंट्स तो मेंशन कर पा रहा हूं मैं, यहां पे जो नहीं मेंशन कर पा रहा उनके बारे में बात करूंगा मैं। व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट सी, पोटेंशियल एट पॉइंट सी इज के क्यू बाई ए प्लस माइनस के क्यू बाई ए, इस वाले चार्ज का पोटेंशियल यहां पे और इस वाले चार्ज का पोटेंशियल यहां पे, राइट right? तो क्या बना, पोटेंशियल एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, डायरेक्टली एड अप हो जाते हैं बेटा, है ना। तो क्या बन गया बोलो, पोटेंशियल एट पॉइंट सी जीरो बन गया। अब अगर मैं ए पॉइंट की बात करूं तो ए पॉइंट का डिस्टेंस यहां से ये होगा और यहां से भी यही तो होगा बेटा, बोलो सेम डिस्टेंस दोनों का, तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए भी कितना है बोलो, जीरो है। सिमिलरली व्हाट अबाउट द पोटेंशियल एट पॉइंट बी एंड पोटेंशियल एट पॉइंट डी एंड पोटेंशियल एट पॉइंट ई, क्या इन सभी पॉइंट्स के पोटेंशियल जीरो है? पोटेंशियल एट पॉइंट सी ए आ गया, फिर आ गया मेरे पास बी इक्वल टू डी इक्वल टू ई इक्वल टू जीरो। मैंने जितने पॉइंट से कंसिडर किए इन सब पे पोटेंशियल क्या आ रहा है बेटा, मेरे पास जीरो आ रहा है। मतलब अगर मैं इन सभी पॉइंट्स को जोड़ दूं तो ये सारे पॉइंट्स एक इक्विपोटेंशियल लाइन फॉर्म करते हैं, अभी प्लेन की बात नहीं करी मैंने, क्या फॉर्म कर रहे हैं पॉइंट्स सारे के सारे, ये एक इक्विपोटेंशियल लाइन फॉर्म कर रहे हैं, इस लाइन पे हर जगह पोटेंशियल सेम है। लेकिन एक बात सोचो आप लोग, क्या ये लाइन ही रहेगी? अगर मैं यहां की बजाय एक पॉइंट यहां कंसिडर करूं, उसका डिस्टेंस यहां से जो होगा वही यहां से होगा, यहां देखो उसका डिस्टेंस जो यहां से होगा वही यहां से होगा, अंदर देखो इसी लाइन पे तो डिस्टेंस सारे में सेम आएंगे। तो ये बेसिकली लाइन ना रह करके क्या बनने वाला है बोलो, ये एक प्लेन बनने वाला है लाइक दिस, जिसपे की हर जगह पोटेंशियल क्या होने वाला है बोलो, सेम होने वाला है। तो ये एक ऐसा प्लेन है, दिस प्लेन हैज पोटेंशियल सेम एवरीवेयर, ये एक ऐसा प्लेन है जो कि इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर है और सेंटर से पास कर रहा है। तो इस प्लेन के ऊपर अगर मैं यहां पे भी कोई पॉइंट लेता हूं, यहां पे भी कोई पॉइंट लेता हूं, मान लो ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, तो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ पॉइंट Q इज इक्वल टू जीरो। आप बोलेंगे सर यहां पोटेंशियल जीरो है, इक्विपोटेंशियल थोड़े ना है। अरे जब सारे पॉइंट्स पे पोटेंशियल ही जीरो है तो बराबर ही हो, वो भी तो इक्वल हुआ, डिफरेंट थोड़े ना वो है ना। तो ये प्लेन जो है कैसा बोलेंगे इसको, प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर, सेंटर ऑफ डाइपोल एंड परपेंडिकुलर टू इट्स व्हाट टेल मी एक्सिस विल मेक एन इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर दिस। अगर आप इस सिचुएशन में मान लीजिए आप बोलो सर यही प्लेन क्यों है, तो मैं सेंटर से पास नहीं करवाना, मेरी इच्छा नहीं कर रही सेंटर से पास करवाने की, आप कहीं और से पास करवाओ, फिर बताओ कि वो प्लेन अपना इक्विपोटेंशियल है कि नहीं है, करवा देते पास लोग, हमें कौन सी दिक्कत है। ये लीजिए ये प्लेन क्या इक्विपोटेंशियल बनेगा, सवाल ये है। अगर मैं इस प्लेन पे ये कोई पॉइंट लू, इसका डिस्टेंस ये कोई पॉइंट लू, इसका डिस्टेंस ये डिस्टेंस है आर वन, ये डिस्टेंस है आर टू, तो आर वन है आर टू से बड़ा है ना, तो इसका मतलब क्या होगा कि नेगेटिव का पोटेंशियल यहां पे कम होगा, पॉजिटिव का पोटेंशियल यहां पे क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। और डिफरेंट पोटेंशियल्स हैं तो हो सकता है यहां पे कोई वैल्यू आए, लेकिन वो वैल्यू जो है मान लो यहां पे वैल्यू बी ए आ रही है, और अगर आप यहां पे देखें ये वाला डिस्टेंस है और यहां पे देखें ये वाला डिस्टेंस है, ये वैल्यू जो है वी बी वैल्यू से अलग होगी। क्यों अलग होगी? क्योंकि जीरो नहीं आ रहा आंसर, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो इन दोनों का जब मैं कैलकुलेशन करूंगा ये कुछ और आएगा, इन दोनों का करूंगा तो कुछ और आएगा, तो VA जो है वो VB के बराबर नहीं आएगा, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस
नहीं बनेगा। तो एक ही प्लेन ऐसा होता है डाइपोल में जो कि डाइपोल के सेंटर से पास करता है और एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है वो प्लेन, वहां पे हर जगह पोटेंशियल जीरो होता है, माने सेम होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो तो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनना ही है। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। गाइस, चलिए जी, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है ये। फिजिक्स जब आप अच्छे से पढ़ना शुरू करते हो ना बेटा, तो बड़ा मजा आता है इसमें। पहले बोरिंग लगता है, मुझे भी लगता था जब मैं आपकी एज में था, यार ये क्या बकवास है ना, हम सोचते थे ऐसा। देखो बेटा, ये इसने यहां पे ना इक्विपोटेंशियल लाइंस बनाने की कोशिश की है। ये लाइंस है, इक्विपोटेंशियल लाइंस बनाने की कोशिश की है। ये अपने पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ये अपने पास एक नेगेटिव चार्ज है। हम जानते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडिनली। हमने वो प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उसमें ये डायरेक्शन आई थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, और यहां से प्लस से बाहर निकलती है जी, प्लस से बाहर निकलती है, है ना। थोड़ी मेरी गड़बड़ भी हो रही है ना, माइंड मत करना आपने, क्योंकि ये तो कंप्यूटराइज है जो बनाई गई है। अरे हम ठहरे भैया आम आदमी। ये लो, मैंने ही बना दी, थोड़ी सी यहां बना देते लोग। ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये जो इसने टेढ़ा मेढ़ा डायग्राम बनाया हुआ है, देखो यहां पे ये इक्विपोटेंशियल लाइन नजदीक है और यहां से दूर है। इस लाइन पे पोटेंशियल हर जगह सेम है। अगर आप इसमें देखें, देखो यहां इस चार्ज से नजदीक है और यहां से क्या है बेटा, दूर है, मतलब ये चार्ज सेंटर में नहीं है इसके। अगर आप यहां देखें तो इस वाले की यहां पे है और यहां से ये घूम घूम के आती हुई यहां मिल गई है। थोड़ी गड़बड़ होगी लास्ट में, बाकी मैंने ठीक ही बनाया था। अब देखो इसने ये किस कॉन्सेप्ट पे ये सारी चीज ओरिजिनेट की हुई है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। देख रहे हैं आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कहीं भी ड्रॉ कर लो आप लोग, यहां देखो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और ये क्या है इस सरफेस के, बोलो, परपेंडिकुलर है। इस कॉन्सेप्ट के बेस पे इसने यहां पे ये कहानी बनाई हुई है। अगर मैं इसको नजदीक दूर नहीं करता ना इस तरीके से, तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है यू जा रही है ना, ये देखो ये जा रही है फील्ड लाइन के पास, ये इसके परपेंडिकुलर, और यहां पे यू जा रही है तो अब इसके परपेंडिकुलर आई है, ठीक है ना। तो एक डाइपोल के कारण इक्विपोटेंशियल लाइंस की जो शेप होती है वो इस तरह की होती है। कभी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे दिखाई दे कि चार ऑप्शन दिए हैं तो करेक्ट वाली कौन सी है, तो ये बता दी मैंने आपको, ये करेक्ट वाली है बेटा। सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ऑल्सो। ग्रेट, सो लेट अस मूव ऑन गाइस। अब आते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। प्रॉपर्टीज ऑफ ईपीएस, है ना, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ओके, तो प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। पहली प्रॉपर्टी है, सिंस पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर, हेंस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज जीरो। भाई बड़ी सिंपल सी बात है कि पोटेंशियल क्योंकि हर जगह पे सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, जीरो आएगा। जितने पैसे आपके पास उतने पैसे मेरे पास, डिफरेंस कितना है पैसों का, जीरो है, वही कहानी है। तो अगर मान लीजिए मैं ये कहूं कि ये अपने पास एक प्लस चार्ज है और ये इसका मैंने बना दिया एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे इस तरह से निकाल दी मैंने बाहर को, थोड़ा सा इसको ब्यूटीफाई करने के लिए डायग्राम को, ताकि थोड़ा लगे आपको पता नहीं क्या बन रहा है ये, है ना। तो अब बताओ इस जगह पे कितना पोटेंशियल है, वी ए पॉइंट पे मान लो 100 वोल्ट है, कितना पोटेंशियल है सी पॉइंट पे, वी सी कितना है, बोलो, वंस अगेन 100 वोल्ट। सो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस,
100 माइनस 100 इज इक्वल टू जीरो. पोटेंशियल सेम मतलब डिफरेंस जीरो. दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस. प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट. ग्रेट, सो लेट अस मूव ऑन. सेकेंड प्रॉपर्टी पे आते हैं विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. बेटा सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये कि नो वर्क इज डन, नो वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस. हमें किसी चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव करना है, कोनो काम नहीं करना पड़ता. काहे भैया, क्यों कोई काम नहीं करना पड़ता, सोचना पड़ेगा इस बारे में. देखिए, अगर अपने पास ये एक वही पॉजिटिव चार्ज है मान लो, और ये ठहरा इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस मान लो.